में एट क्लास का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स। रेशनल ये हमारा एट क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हमें कुछ ऐसे सिस्टम स्टडी करने होंगे नंबर्स के जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो सिस्टम हमने पढ़े थे सिक्स क्लास में और सेवन क्लास में। ठीक है, तो सिक्स क्लास से पहले हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा था पहले वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस स्टडी किया था नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हमने कौन सा सिस्टम स्टडी किया था नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर है क्या तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या होता है नेचुरल नंबर इसके बारे में लिखेंगे हम ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्योंकि बचपन से ही अगर हम गुरु स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले हमने क्या सीखी थी काउंटिंग सीखी थी। काउंटिंग कहां स्टार्ट होती है हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 100। तो वही सभी नंबर क्या कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। जिसकी मैंने लिखा है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे हम जैसे एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 100 ऐसे चलते जाएंगे आगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां पर कि हेयर 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि कोई भी यहां पर लास्ट नेचुरल नंबर होगा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर कि जो आपकी काउंटिंग यहां कभी भी एंड नहीं करेगी। अगर आपकी काउंटिंग कभी एंड नहीं करेगी तो दैट मीन्स यहां पे हमारे पास कोई लास्ट नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। तो हम यहां बोलने क्या बोलेंगे कि ओनली 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर बट देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 क्लास की। अब 8 क्लास में हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर तो उसको हम किस तरह डिनोट करेंगे दिस इस तरह डिनोट करेंगे। अगर हम क्या कहें इन सभी नंबर्स को क्या करके कलेक्ट कर लिए एक जगह कलेक्ट करके या क्या बनाने ग्रुप बनाने कॉम्बिनेशन बनाने क्या बनाने कॉम्बिनेशन इस तरह लिखते हैं इसको और इसको डिनोट करते हैं हम एंड से तो क्या कहलाएगा ये द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो याद रखना बाकी से कि अगर कभी भी आपको नेचुरल नंबर को डिनोट करना है रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे आप एन लिखेंगे। एन मतलब एन हमें क्या बता रहा है नेचुरल नंबर्स के बारे में बता रहा है या नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या लिखोगे इस वर्ड को ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 100। ठीक है, सबसे पहले हमने सिस्टम स्टडी किया था। अब बात करते हैं क्लास 6 की बात करते हैं। क्लास 6 में हमने क्या स्टडी किया था एक नया सिस्टम स्टडी किया था दैट इज होल नंबर्स। क्या स्टडी किया था हमने होल नंबर्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाई वी नीड होल नंबर्स हमें होल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बिल्कुल सिंपल इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे या बिल्कुल सिंपल इक्वेशन लेके चलेंगे। वो कौन सी हमारी इक्वेशन मान लीजिए वो है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन है बिल्कुल सिंपल है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। और आप सभी जानते हो अगर हमें यह अगर इक्वेशन है तो यहाँ पे एक्स की बना कोई वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। अब वो वैल्यू हम यहाँ फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं फाइंड आपको पता है यह हम जानते हैं सभी हमें पता है जब ये 5 प्लस का है ये कॉन्स्टेंट है तो ये एक्स क्या है वेरिएबल और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम आपको दिख रहे हैं 5 यहाँ पे है प्लस का। जब कभी भी हम पूरे टर्म को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो क्या होगा जो साइन है क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। दैट मींस अब प्लस का 5 माना क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम x इज इक्वल टू
5 माइनस 5। और हम सभी जानते हैं कि अगर 5 को हम 5 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 0। अब आप मुझे ये बताइए क्या ये 0 नंबर आपका इस सिस्टम में कहीं भी है? नहीं है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, अपने इस सिस्टम को क्या किया, बढ़ाया, एक्सटेंड किया, और क्या बनाया, एक नया सिस्टम बनाया, कौन सा, होल नंबर्स। देखो बात देख सकते हो आप, अभी जो 0 है हमारा वो इस सिस्टम में नहीं है, इसी वजह से हमने क्या किया, अपने पुराने वाले सिस्टम को बढ़ाया, क्या बनाया, नया सिस्टम बनाया, होल नंबर्स। यहां लिखो पहले आप कि इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये वाला नेचुरल नंबर ही है नहीं है, इसी वजह से हमने क्या किया, अपने सिस्टम को बढ़ाया। अब होल नंबर्स को डिफाइन करना चाहते हैं, कैसे डिफाइन करोगे, देखो बढ़ाया तो है, ओनली हमने क्या किया है, हमने अपने पुराने वाले सिस्टम में क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया, एक नया सिस्टम बना दिया, क्या बना दिया, होल नंबर्स। ध्यान रखेंगे हम, इफ वी ऐड 0 टू नेचुरल नंबर्स then we get a new system of numbers called whole numbers। ठीक है, आपको याद रखना है इसे कि if we add 0 to natural numbers, मतलब कि अगर हम अपने पुराने सिस्टम में 0 को ऐड करते, then we get a new system, तो हमें क्या मिलेगा, एक नया सिस्टम मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। अब जिस तरह हमने अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, तो हम होल नंबर्स को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, कैसे, यहां देखिए आप, इसको डिनोट करते हैं W से, ठीक है, तो कभी भी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है होल नंबर को क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, फिर वही ब्रेसेस और यहां लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड so on। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को डिनोट करेंगे इस लेवल पर, W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड so on। अब आप देख सकते हो यहां पे आपको एक नोट करनी है, बात डॉक्यूमेंट में याद रखनी है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके 1, 2, 3, 4, ये सभी नंबर्स वहां प्रेजेंट हैं, इस सिस्टम में प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वे सभी होल नंबर्स भी हैं। ओके, हम क्या बोलेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स। क्यों, क्योंकि ये सभी नंबर्स वहां प्रेजेंट हैं, इस सिस्टम में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, ऑल नेचुरल नंबर्स आर, सॉरी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो अपनी बात याद रखनी है, इसको मैं रेड कैसे लिख देता हूं, मार्कर से, ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स। ठीक है, चलो ये तो मैंने मान लिया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी क्या होल नंबर्स हैं। तो क्या इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा प्रूव सही होगा, उल्टा मतलब क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे, नहीं होंगे। क्यों, आप देख सकते हो इस सही सिस्टम में 1, 2, 3 एंड 4 और इस सिस्टम में क्या 0, 1, 2, 3, 4, इस वाली सिस्टम में किसका अंतर है, बिल्कुल किसका डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। तो हमें एक ही रीजन मिल गया जो हमारे काफी है बताने के लिए कि सभी के सभी होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, जिसमें यहां क्या लिखेंगे, बट कन्वर्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन उसका जो उल्टा है, विपरीत है, वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। रीजन क्या देंगे इसका, बिकॉज, देख सकते हो आप, बिकॉज 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जो मैंने लिखा है 0 वो किससे बिलोंग नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। आप देख सकते हो मैंने यहां पे सिंबल यूज किया है, जो आपको दिखने में कैसा लगेगा, ई की जैसा लगेगा। ठीक है, ये ई नहीं है, इसको बोलेंगे एप्सिलन या एप्साइलन बोलेंगे। ठीक है, एप्साइलन,
जो आप बड़ी क्लास में यूज करोगे, जिसका हम यूज करते हैं बताने के लिए, इसका जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, याद रखना आपने से, ये ग्रीक वर्ड है आपका, इसको बोलते हैं एप्साइलन, और इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको कट किया हुआ है, क्या क्या हुआ, मैंने इसको कट, सोच इसका मतलब क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कि अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है तो आगे से याद रखोगे आप मेरी क्लास में कभी भी, इसका मतलब है एप्सिलॉन, जिसका मतलब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। अगर इसको मैंने कट कर रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि होल नंबर सी में जो क्यों पड़ी। अब हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं अपना, जो हमने स्टडी किया था इन क्लास 7, वो सिस्टम हमारा क्या है, वो सिस्टम है हमारा इंटीजर्स। फिर वही सेम क्वेश्चन आइज होते हैं कि व्हाई वी नीड इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी। सेम वही इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इसको किया। हम एक और सिंपल इक्वेशन की बात करेंगे यहाँ पर, मान लीजिए सिंपल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस में 10 इज इक्वल टू 15। ठीक है, हमने बिल्कुल सिंपल इक्वेशन लिया है, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो हम यहाँ पे सेम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको कहां शिफ्ट करना होगा, हमें राइट हैंड साइड शिफ्ट करना होगा। तो पहले हम इसको कहां शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो क्या बनेगा ये हमारा, x is equal to 15 minus 10। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी हम पूरी टर्म्स को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट से राइट से लेफ्ट, तो साइन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी चेंज हो जाता है। अब प्लस का हमारा क्या हो गया, माइनस का, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। इसको आप ले लो 15, इसको ले लो 10। ठीक है, ये आपका 10 हो गया, क्या हो गया आपका 15। तो आप देख सकते हो जब 10 में से आप 15 माइनस करेंगे हम, तो हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पर, आपको पता क्या आंसर आएगा, माइनस का 5। तो अब ये बताइए मुझे, अब क्या माइनस 5 आपका जो नंबर आया है, क्या वो किस सिस्टम में कहीं भी है, क्या ये माइनस 5 आपका इस सिस्टम में कहीं भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें कौन से नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक नया सिस्टम बनाया हमने, कौन सा, इंटीजर्स बनाया। अब हमें डिफाइन करना है इंटीजर्स को, देखो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, ओनली कौन से नंबर्स नहीं हमारे पास, नेगेटिव नहीं है, तो हमें ओनली कौन से नंबर ऐड करने हैं, नेगेटिव नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे हम, इफ we add negative of natural numbers, negative of natural numbers to the whole numbers, then we get a new system, then we get a new system of number called integers। अब इसको समझिए क्या लिखा है मैंने यहां पर, कि अगर हम क्या करें, इन सभी नेचुरल नंबर का नेगेटिव कर दे, जैसे 1 है उसका -1 कर दे, 2 है उसका -2 कर दे, 3 है क्या कर दे उसका -3 एंड सो ऑन। उन सभी नेगेटिव नेचुरल नंबर को क्या कर दे, नेगेटिव कर दे, और इसमें ऐड कर दे टू द होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब इसमें ऐड कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, नया सिस्टम मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड लेटर से, तो जेड इज इक्वल टू, अब आपको पता है नेगेटिव बहुत सारे, अब से आपको पता है जैसे हमारे नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं तो नेगेटिव बहुत सारे होंगे, और आपको पता है होल नंबर से हमारे यहाँ बहुत सारे, कैसे लिखो इसको आप पहले, डॉट 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 माइनस टू माइनस वन फिर जीरो फिर वन फिर टू एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम डिनोट करेंगे, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू एंड सो ऑन। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
कि मैंने माइनस टू से सिर्फ डॉट डॉट लिखा है और टू से सिर्फ क्या लिखा डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस टू से सिर्फ क्या आएगा माइनस थ्री फिर माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो ऑन, और आपने हमें पता ही है टू के बाद थ्री फिर फोर फाइव एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, मुझे शायद आपको पता भी हो, जैसा ये जानते हैं कि अगर मैं बात करूं वन और टू की बात करूं इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तो सभी जानते हैं कौन ग्रेटर है इसके अंदर, इसमें टू क्या है ग्रेटर, इसलिए मैं क्या लिखा है वन लेस देन टू। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव नंबर की बात करता हूं, मान लिख दिया माइनस वन लिख दिया और माइनस टू लिख दिया, तो हम यहाँ पे हमारी जो थिंकिंग है कि टू वाला नंबर बड़ा होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आपके दोनों नंबर नेगेटिव में हो तो दो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअली क्या होता है बड़ा, दैट इज आपको पता है जैसे अगर ये पॉजिटिव होता है ये पॉजिटिव होता तो वन और टू होता है, और हमें पता है अगर दोनों पॉजिटिव है तो टू क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा। अब अगर बात करें माइनस वन और माइनस टू की तो यहाँ पे कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, वो होगा आपका माइनस का वन। ऐसी जो एग्जांपल से बोल के लेते हैं हम, मान मैंने लिख दिया माइनस का 50 लिख दिया और माइनस का 60 लिख दिया, अब बताओ कौन सा बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल सही, अब बड़ा होगा आपका माइनस का 50, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 90 में बिल्कुल क्या होता है इसका अपोजिट होता है। ठीक है, और एक बात और, जितने भी माइनस पॉजिटिव है वो सभी नेगेटिव से क्या है ग्रेटर है। जैसे कि मैं लिखता हूँ आपको सामने, अभी मान मैंने लिख दिया वन लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 100 माइनस का, आपको दिख रहा है वन तो पॉजिटिव है और 100 क्या नेगेटिव है, तो वन तो भी क्या होगा बड़ा होगा किससे माइनस वाले टर्म से नंबर से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा। इंटीजर्स क्या होता है, इफ वी ऐड नेगेटिव ऑफ ए नेचुरल नंबर्स टू द होल नंबर्स, मतलब कि अगर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का नेगेटिव किसमें ऐड करते हैं होल नंबर्स में ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा एक नया सिस्टम मिलेगा जिसे हमने क्या नाम रखा इंटीजर्स रखा। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आती है, वो कौन सी है, जैसे हमने बात करी थी अभी कि जितने भी होल नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी क्या है हमारे होल नंबर्स हैं, उसी प्रकार जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और जितने भी होल नंबर्स हैं वो सभी क्या है इंटीजर्स भी हैं। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स, क्यों आप देख सकते हो ये सभी नंबर यहाँ पर है। ओके, इसलिए हमने बोला कि जितने भी होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं सारे क्या है उनको हम इंटीजर्स भी कह सकते हैं, इसको भी याद रखना हमेशा। यहाँ लिखता हूँ मैं आपके सामने, यहाँ लिखता हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा कि जितने भी होल नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स हैं सारे क्या हैं इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये सभी नंबर यहाँ पर भी हैं और ये सभी नंबर यहाँ पर भी हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से अब ये बताइए क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं है। इसी प्रकार बोलेंगे क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ नेगेटिव नंबर्स भी है और जीरो भी है, क्या ये सभी नंबर यहाँ पर है बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए बोलेंगे बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये तो कन्वर्स है उसका ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, एग्जाम्पल के दोगे इसको आप, क्या बताओगे रीजन इसका, बिकॉज माइनस वन डज नॉट बिलोंग टू एन एज वेल एज डब्ल्यू। ठीक है, जब वो माइनस वन है ना वो एन में बिलोंग करता है ना वो डब्ल्यू में बिलोंग करता है, डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स में। ठीक है, एक बार दोबारा हम रिव्यू कर लेते हैं, सबसे पहले हमने स्टडी किया नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जितने भी हमारे काउंटिंग्स हैं हमारे जो बचपन से हमने सीखे थे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 100, ये सभी क्या कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनको कैसे डिनोट करते हैं, एंड लेटर से डिनोट करते हैं, और कैसे लिखेंगे इसको ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 4 एंड 100। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया कि बाय वन एक नेचुरल होल नंबर्स, हमने इसके देखा जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व किया इस इक्वेशन को हमने क्या देखा हमारा एक्स आंसर क्या आया जीरो, जीरो तो सिस्टम में है नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा सिस्टम को बढ़ाया और क्या बनाया नया सिस्टम बनाया होल नंबर्स,
होल नंबर्स क्या होते हैं? इफ वी ऐड जीरो टू द नेचुरल नंबर्स देन वी गेट न्यू सिस्टम कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब कि अगर हम जीरो को ऐड करते हैं सिस्टम में तो हमें क्या मिलेगा? नया सिस्टम मिलेगा जिसे क्या बोलेंगे हम? होल नंबर्स कहेंगे। इसको किसे डिनोट करते हैं हम? w स्क्वायर टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको अभी बात की थी कि जितने भी होल नंबर्स हैं, सॉरी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी क्या हैं? होल नंबर्स हैं। बट होल नंबर्स नॉट अ नेचुरल नंबर्स। रीजन आपको मैंने दिखाया था कि जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन। उसके बाद हमने स्टडी किया इंटीजर्स। सबसे पहले ये रीजन आता है हमारे माइंड में कि वाई कोई नहीं है इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हमने इक्वेशन सॉल्व किया। हमने क्या देखा? एक्स वैल्यू माइनस का माइनस फाइव फाइव जो माइनस फाइव आपकी ना इसमें है ना इसमें है। तो अभी हमें क्या करना पड़ा अपने सिस्टम को अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ा? हमें अपने सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा। इसलिए हमने क्या बनाया? हमने जितने भी नेचुरल नंबर थे उसका नेगेटिव ले लिया और इसमें ऐड कर दिया होल नंबर्स में। तो हमें क्या मिला? एक नया सिस्टम मिला जिसे हमने क्या कहा? इंटीजर्स का। फिर वही सेम क्वेश्चन कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं जितने भी आपके होल नंबर्स हैं सभी क्या हैं? वो आपके इंटीजर्स भी हैं। लेकिन जो आपके इंटीजर्स हैं वो आपके होल नंबर्स नहीं है सभी के सभी। सभी इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स नहीं है नेचुरल नंबर। रीजन आपको मैंने दिखाया था यहाँ पर कि माइनस वन डज नॉट बिलोंग टू एन एज वेल एज डब्ल्यू। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट रेशनल नंबर्स। तो आज हमने स्टडी किया उसमें हमारा बेसिक था जो आपको काफी रिकॉल हो जाता पिछला सिलेबस जो हमने सेवन या सिक्स में स्टडी किया है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करना है रेशनल नंबर, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।